जय हिंद दोस्तों। बिहार होमगार्ड भर्ती 2011 एक और जिले के होमगार्ड अभ्यर्थियों को 12 साल बाद मेगा सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। दोस्तों इस मेगा सूची में क्या क्या दिया गया है और क्या बताया गया है जानने के लिए इस वीडियो में आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे। आपको डिटेल्स में सब कुछ मैं समझाने वाला हूं और बताने वाला हूं। दोस्तों कौन से जिले के अभ्यर्थियों का मेगा सूची का प्रकाशन किया गया है और इसमें क्या बताया गया है सब कुछ मैं बारीकी से आपको समझाने वाला हूं। इसके बाद आगे की प्रोसेस क्या होने वाली है वो भी मैं इसी वीडियो में क्लियर करके आपको समझाने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, क्योंकि यहां पर जो भी जानकारी आपको मिलती है बिल्कुल सही और सटीक, वो भी ऑफिशियल साइट के अनुसार। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। दोस्तों फाइनली वेस्ट चंपारण यानी दोस्तों पश्चिमी चंपारण बेतिया जिला के अभ्यर्थियों का मेगा सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। दोस्तों चेक करने के लिए आपको गूगल क्रोम को ओपन करना है अपने मोबाइल में और इस प्रकार से डालना है westchamparan.win.nic डालिएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए फर्स्ट में जो यहाँ पर वेबसाइट आ गया यही वेबसाइट है। यहाँ पर नीचे में आइएगा तो दोस्तों बहुत सारा ऑप्शन भी मिल जाएगा, तो आपको न्यू जॉब वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक कीजिएगा तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी जो फिजिकल मेडिकल पास किए हैं उनका मेगा सूची का प्रकाशन किया गया है। सिंपल सा दोस्तों इस पर क्लिक कर लेना है, इस प्रकार से आपको क्लिक करना है। क्लिक कीजिएगा तो दोस्तों देखिए आपका जितना भी प्रखंड है बेतिया जिला में सभी का यहाँ पर दिया गया है। तो आप जो भी प्रखंड से आते हैं सिर्फ इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने देखिए यह PDF ओपन होकर आ गया। यहाँ पर सब कुछ आपको दिया गया है। उसके बाद दोस्तों आप सभी का जो फिजिकल मेडिकल में नंबर प्राप्त हुआ है, जो आपका डॉक्यूमेंट दिया गया है उसके अनुसार यहाँ पर सब कुछ दे दिया गया है। फर्स्ट में सीरियल नंबर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं आपका पावती संख्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपका नाम मिल जाएगा, यहाँ पर दोस्तों आपके पिताजी का नाम, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ यानी जन्मतिथि मिल जाएगा, आप कौन सा क्लास पढ़े थे और किस क्लास के आप सर्टिफिकेट पर अप्लाई किए थे, आवेदन किए थे वो मिल जाएगा। यहाँ पर आपका जाति मिल जाएगा, कौन से जाति से आते हैं। यहाँ पर अगर आप आरक्षण कोटी से हैं तो उसका भी कोटी दिया गया है। उसके बाद दोस्तों आपका कौन सा प्रमाण पत्र इसमें नहीं है उसका भी यहाँ पर एक कॉलम बनाया गया है, यहाँ पर देना है। उसके बाद दोस्तों उम्मीदवार का ऊंचाई यानी हाइट का कितना है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सीना कितना है, सब कुछ आपको दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ऊंची कूद लंबी कूद यहाँ पर सभी कुछ दिया गया है। लास्ट में दोस्तों आपका कितना नंबर प्राप्त हुआ है वो भी यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग चेक कर लीजिएगा जो अभ्यर्थी हैं उनका सब कुछ यहाँ पर डिटेल्स में दिया गया है। तो इस प्रकार से आपको चेक करना है। और दोस्तों कुछ भी इसमें गलत आपको दिखाई दे रहा है आपके सर्टिफिकेट के अनुसार तो आप लोग ज़रूर जाकर आपत्ति दर्ज करें। आपत्ति का समय भी दिया गया है, चलिए हम जानेंगे पूरा यहाँ डिटेल से दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 9 जुलाई को यह प्रकाशित किया गया है। बेतिया जिला के अंतर्गत गृह रक्षक के पद हेतु शारीरिक जांच परीक्षा के उपरांत प्राप्तांक के आधार पर आपको अपबंधिक मेगा सूची का प्रकाशन किया गया है, जो कि महाराजा स्टेडियम में दोस्तों सब कुछ आपको हुआ था 5 जून से लेकर आपको 13 जून के बीच वह सब कुछ यहाँ पर दे दिया गया है। दोस्तों अगर आपको कुछ भी गलत है तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 नंबर में दिया गया है। यदि किसी अभ्यर्थी को सूची में अंकित सूचना प्रविष्टियों के संबंध में कोई भी आपत्ति है तो वह दिनांक 19 जुलाई तक दोस्तों अवकाश के दिन छोड़ के यानी जो छुट्टी होता है जैसे संडे या कोई आपको पर्व होता है जिसमें छुट्टी होता है वह अवकाश छोड़कर आप जाकर यहाँ पर कार्यालय अवधि के अपनी आपत्ति लिखित रूप में जिला समादेष्टा कार्यालय बिहार गृह रक्षक वाहिनी बेतिया में आप समर्पित कर सकते यानी जमा कर सकते हैं। आपत्ति से संबंधित पावती जो दोस्तों आपको प्राप्त कर सकते हैं यानी आप जैसे आपत्ति दीजिएगा तो एक पावती भी मिलेगा कि किस में आप आपत्ति दिया। निर्धारित समय के बाद दोस्तों जो निर्धारित समय किया गया है यानी 19 जुलाई के बाद आपको आपत्ति अब
नहीं लिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देख सकते हैं सब कुछ दिया गया है, आगे की प्रक्रिया क्या होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 नंबर में दिया गया, सूची में अंकित अभ्यर्थियों को संबंधित व्यक्तिगत सूचना उनके द्वारा समर्पित आवेदन पत्र के आधार पर तैयार, यानी दोस्तों आप जो आवेदन दिए हैं, जो आप डॉक्यूमेंट दिए, उसी के आधार पर सब कुछ यहाँ होने वाला है। अतः आवेदन पत्र के आधार पर ही दावा आपत्ति मान्य होगा, यानी आवेदन दिए हैं उसी के अनुसार मिलाया जाएगा कि आप आपत्ति सही है या गलत है, उसके अनुसार आपको सब कुछ होने वाला है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं 5 नंबर में दिया गया, यह सूची पूर्ण रूप से उपबंधी है, अंतिम नहीं है। दोस्तों अंतिम यह नहीं होता है, आपको आगे मैं बताने वाला, मात्र सूची में सम्मिलित होने वाले नियुक्ति का आधार नहीं माना जाएगा। यानी दोस्तों साफ साफ सब में 5 नंबर यह जो लिखा है, कहने का मतलब कि यह आपको फिजिकल और मेडिकल जो हुआ था उसका है, अब आपको अंतिम यह नहीं दिया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 6 नंबर में आपको समझने वाली बात है, आपत्ति के निराकरण के उपरांत रिक्ति या आरक्षण रोस्टर, जो आप लोग कहते हैं कि मेरे प्रखंड में कितना सीट है, सब कुछ उस समय आपत्ति निराकरण के बाद एक आपको मेरिट तैयार किया जाता है, वही प्रकाशन किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं रोस्टर अभ्यर्थियों को अभिलेख प्रमाण पत्र सब कुछ जाँच के लिए दोस्तों मेरिट के साथ ही आता है, बॉन्ड भरने के आता है, आपका डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन में देना है उस सब कुछ जांच होता है। यहाँ पर मूल प्रमाण पत्र के मिलान आपको होगा, यह सब आगे की प्रोसेस होगा। उसके बाद दोस्तों आप सभी को ट्रेनिंग में भेजा जाएगा, जो कि लगभग 4 माह के आपको ट्रेनिंग होने वाला है। दोस्तों कुछ अभ्यर्थी इसमें घबराए हैं, कहीं कहीं दोस्तों आप देखिएगा तो उनका चेस्ट जो है वह कम लिखा गया है। तो दोस्तों इससे घबराना नहीं है, आपत्ति का यहाँ पर समझ सकते हैं, जो आपत्ति दिया गया है यानी डॉक्यूमेंट से मिलान होगा, यानी डॉक्यूमेंट में कुछ गलत है तो आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। दोस्तों आप चेस्ट में जाइएगा या हाइट में जाइएगा कंप्लेन करने, तो आपको यहाँ पर हमारा जो अनुमान है कोई यहाँ पर आपको सॉल्यूशन नहीं होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आपके पास हाइट चेस्ट का कोई प्रूफ नहीं है और यहाँ आपत्ति में प्रूफ मांगा जा रहा है, जो कि आपके आवेदन के अनुसार मिलान करके सब कुछ आपत्ति जो है उसका निराकरण किया जाएगा। तो दोस्तों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, चेस्ट हम देख रहे हैं बहुत सारा अभ्यर्थी को नॉर्मल सही है लेकिन फुलाने के बाद कम दिख रहा है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि दोस्तों हम दिखाएँ जो अभ्यर्थी मेरे पास भेजे हैं, उसके बाद भी काफ़ी अभ्यर्थियों को हम चेक किया, तो दोस्तों हम देख रहे थे कि इसमें चेस्ट कम दिया गया है, तो इसलिए दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है। चेस्ट दोस्तों आपका जितना है, यहाँ पर भी दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी अभ्यर्थी का कम भी चेस्ट लिखा गया है, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग के अगर डॉक्यूमेंट नाम एड्रेस कुछ में गलत है तो यह सब दोस्तों सुधार करवा सकते हैं, 19 जुलाई तक आप लोग का समय है। विशेष जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप करें या हमें आप व्हाट्सएप करें या फ़ोन भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, नमस्कार।